नमस्कार थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। देश के भ्रष्ट नेता जो कि बहुत सारे हैं, हमारे देश में भ्रष्ट नेताओं की कोई कमी नहीं है, तो देश में भ्रष्ट नेताओं के लिए बुरी खबर है। चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद का पूरा परिवार हो, सत्येंद्र जैन हो, या फिर जिन पर ईडी का शिकंजा कसा जा चुका है, वो कोई भी भ्रष्ट नेता हो, उनके लिए सबसे बड़ी और बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, 250 याचिकाएं दायर की जा चुकी थी, जिसमें पीएमएलए का एक कोर्ट चैलेंज था, पीएमएलए मेंबर कोर्ट में चैलेंज था, जिसमें सबको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पीएमएलए पर जो भी संशोधन किए गए उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के संबद्ध किए गए हैं और बिल्कुल सही हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पीएमएलए पर जो याचिका दायर की थी उसको खारिज कर दिया। इन लोगों को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेंस इन्हें लगा था कि जो ईडी एफआईआर से इसकी तुलना की जा सकती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, एफआईआर की तुलना नहीं की जाती, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज होती है पुलिस के द्वारा वो अलग होती है और ईडी दर्ज करती है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये दायर करती है। इसके अलावा इनका कहना था कि इन्हें कॉपी मिलनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉपी देना ना देना वो ईडी के ऊपर है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बस ईडी को गिरफ्तारी के वक्त आरोपी को बताना होता है कि वो किस बिना पर और किस लिए आरोपी को गिरफ्तार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो इन्होंने कहा कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत जो है अपने खिलाफ कोई भी बयान नहीं दे सकता, एफआईआर यानी कि पुलिस के द्वारा जो सबूत जुटाए जाते हैं जिसमें कबूलनामा लिया जाता है उसको सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, पर ईडी ऐसा कर सकती है। इसलिए ईडी की पूछताछ बहुत ही कड़ी होती है। ईडी में 3 स्तर पर पूछताछ की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, इसके अलावा लिखित में वो लिए जाते हैं और आरोपी के सिग्नेचर, लिखित में बयान लिया जाता है और आरोपी के सिग्नेचर उस पर कराए जाते हैं, जिसके बाद उसके पलटने का कोई चांस ही नहीं होता। तो अब बात आती है जमानत की, तो इसमें जमानत मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पीएमएलए पर दो ही परिस्थितियों में जमानत मिल सकती है कि अगर आप पर जो आरोप लगा है अभी तक साबित नहीं हुआ है, आप इसमें अभी तक के जो सबूत पेश किए गए हैं उसमें निर्दोष साबित होते हैं तो आपको जमानत मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपके अगर कोई गारंटी ले कि आप यहाँ से बाहर निकलने के बाद दोबारा ऐसा क्राइम नहीं करेंगे तो जमानत मिल सकती है, जो कि बहुत कड़ी परिस्थिति है। आज तक कोई भी जो आरोपी है इसको साबित नहीं कर पाया है। तो दो ही पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्राइम प्रोसीड्स को छुपाते हैं तो भी उन पर पीएमएलए लगता है। अब जैसे बंगाल का जो मामला था पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का, उनके पास से पैसा मिला जो कि सुर्खियों में है, वो भी इसी के तहत आता है। तो इन पर जो ऐसे आरोप हैं इनसे भी बचने का कोई भी उपाय नहीं है, इन पर भी पीएमएलए लगता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्राइम करते हैं वो सोचते ही नहीं है कि उन्होंने क्या क्राइम किया है, तो उनको अब सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे ईडी का शिकंजा भारत के हर ऐसे नेता और ऐसे लोगों पर कसा जाने लगा है जो कि भ्रष्टाचार में आगे रहते हैं। अब जो एक नई खबर सामने आई है वो है कि अभी तक ईडी नहीं पहुंची है पर सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। किस पर? भोला यादव पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भोला यादव कहाँ से आ गया, भोला यादव कौन है? तो वो लालू प्रसाद यादव के हनुमान माने जाते हैं भोला यादव। तो उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, किस मामले में? IRCTC के स्कैम के मामले में, और दूसरा नौकरी देने के बदले में जमीन लेने के मामले में। ये बहुत ही संगीन मामला है। जब लालू यादव मंत्री थे तो बिहार में जिनको नौकरी दी गई उनकी ज़मीन भी उनसे बदले में ली गई, लालू के परिवार वालों के लिए या फिर और किसी के लिए। तो इस पर भी कार्रवाई हुई है और जिन लोगों की ज़मीन ली गई थी नौकरी के बदले, वो भी उनका परिवार भी इस पर जो है बयान देने के लिए राज़ी हो गया है। इसके अलावा IRCTC में तेजस्वी यादव भी आरोपी पाए जा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य भी खतरे में है, उनकी राजनीति भी खतरे में है। इस पर अब
काम तो किया है सीबीआई ने, और अब बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा बीजेपी को, बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा इन सब पर पीएमएलए पर एक बड़ी खूबी है पीएमएलए की कि इसमें आरोपी को ही सिद्ध करना होता है कि वह निर्दोष है। ईडी या बाकी किसी पर भी कोई प्रेशर नहीं होता कि आरोपी का दोष साबित करना है, बल्कि जो कि आरोपी होता है उसको ही अपने आप को निर्दोष साबित करना है होता है, ये बड़ी खूबी है। इसके अलावा अभी तक ईडी और सरकार पर ये प्रेशर था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से छूट मिल गई तो इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट से छूट मिल गई तो जिन पर याचिका दायर हो चुकी है, जिन पर ईडी का शिकंजा चल रहा है, जिन पर ये कानून लग चुका है, उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा, अधर में लटक जाएगा उनका भविष्य, पर अब ये छूट नहीं मिली है। इसके अलावा देश में अब बड़ा अभियान चलने वाला है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसमें पहले 2014 से पहले सिर्फ छोटी मछलियां ही पकड़ी जाती थी, मतलब छोटे नेताओं को भी नेताओं को ही पकड़ा जाता था, पर आज बड़े बड़े नेताओं पर ये शिकंजा कसा जाने लगा है। और आने वाले समय में हमारी देश की राजनीति एक नया मोड़ लेने वाली है, जिसमें ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, रामराज आ जाएगा, पर धीरे धीरे इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। कुछ प्रोविजंस जिनको मनी बिल के तौर पर अमेंडमेंट कर पास किया गया, उसको चैलेंज किया गया है, उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि उनकी सुनवाई बाकी है, जो कि संविधान पीठ करेगी वो बात अलग है, पर यहाँ पर बात है कि जगदीश भगवती जो संसद में भाषण देने गए, उन्होंने एक बात कही कि भारत और अमेरिका दोनों ही जगह भ्रष्टाचार होता है, पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसमें फर्क ये है कि अगर अमेरिका में कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए तो वह कभी भी आजीवन छूट नहीं सकता, उसको सजा होगी, पर भारत में आरोपी और भ्रष्टाचारी ये सोचते हैं कि एक बार भ्रष्टाचार करके पकड़े गए तो दूसरी बार भ्रष्टाचार करके छूट भी सकते हैं, मतलब रिश्वत देकर। तो यही सोच बदलनी है, और अब जो नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं ये इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा, और लोगों को इसी चीज़ के लिए समझाना ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार करना गलत बात है, अगर आप करोगे तो आप बच नहीं पाओगे। पहले लोग बच जाते थे तो उनके मन में कोई भी डर नहीं है, यही डर बिठाना आज लोगों के मन में बहुत ज़रूरी है, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार बखूबी कर रही है और होना भी चाहिए। यही देश की तरक्की के लिए सही है, यही देश के लोगों के लिए सही है, देश के भविष्य के लिए सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।